थैंक यू सो मच द प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए बेसिकली दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू क्लैरिफाई सर्टन प्रेस रिलीजेज एंड स्टेटमेंट डेट है मीडिया ऑफ लेट जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टेरिफाइक सो प्राइमरि दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देर इज नो टैरिफ हाइक विच हैज बीन इफेक्टेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर और के पी डी सी एल इज़ नॉट एम्पावर्ड टू अनाउंस और ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे एंड के जो टैरिफ हाइक करता है बेसिकली दिस इज ए लोड रिविजन एक्सरसाइज ऑफ द एग्रीमेंटेड सेंक्शन लोड ऑफ़ द कंज्यूमर्स इन फ्लैट रेटेड एरियाज मेजोरिटी ऑफ़ द रिपोर्ट जो आती हैं ये उन एरियाज से आती हैं जहाँ पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं एंड एज़ पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी के पी डी सी एल की टीम्स इंस्पेक्शन और असमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोड रिविज़न होता है और उस लोड रिविज़न को हम बड़े कैलिब्रेट मैनर में करते हैं और टैरफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एप्सडुटली क्लियर इज दैट केपीडीसीएल इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड कि के में टोटल एलेवन लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से नाइन लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68 परसेंट कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक हमारी कोशिश होती है थ्रू आर एक्स हैंडल थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीज निकाल कर अपनी पोजिशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंगशन है बिटवीन अ टैरिफाइक एंड रिविजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असमेंट करते हैं यूजली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहाँ पर क्रूड uh, गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं गीज़र लगे होते हैं बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है विंटर्स में आपने देखा होगा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में दैट वन जो गीज़र इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स टू किलो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है कहने का कहने की गर्ज यह है कि वी हैव फाउंड दैट आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं एक किलोवाट पे भी होता है जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो पाँच सात और दस किलो को भी एक्सीड करता है तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी आ, आ, अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई uh, um, uh, बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई uh, 0.75 पर है एक पर है तो उसका पाँच किलोवाट कर दिया हो या सात किलोवाट कर दिया हो डायरेक्शन है क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड अप्रोच अ कैलिब्रेटेड मैनर बाई विच यू विल एनहेंस द लोड ऑफ़ द कंज्यूमर आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने की है वो ये है कि वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ डिस्टिंगशन बिटवीन जो पुअर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस डायरेक्शन है डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन